नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कहने को तो पाकिस्तान सुल्तान मंडी में बिकने वाला खजूर का वो गुड़ है जिस पर चीन से बेहतर दाम कोई नहीं लगा सकता, लेकिन इस वक्त चाइनीज गुड़ चीनी के दाने दाने के लिए भागा फिर रहा है। हालत यह है कि पाकिस्तान में चीन की भारी किल्लत पैदा हो गई है। बाजारों से चीनी गायब हो चुकी है और उसके दाम उछलकर 100 रुपये प्रति किलो से ऊपर जा पहुंचे हैं। इस चीनी संकट से घबराए पाकिस्तान ने आनन फानन में 3 लाख मीट्रिक टन चीनी आयात करने का फैसला किया है। मजे की बात यह है कि इसके लिए भारत के आगे गिड़गिड़ाने का खेल शुरू हो चुका है। भारत चीनी का बड़ा आयातक देश है, साथ ही अन्य देशों के मुकाबले पाकिस्तान को भारत चीनी बेहद सस्ती पड़ती है। ढुलाई भाड़ा भी कम होने से इसके दाम पाकिस्तानी चीनी से भी सस्ते रह जाते हैं। यानी मुल्लाओं की चाय में अब भारत चीनी की मिठास घुलने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि औद्योग और उत्पादन मंत्रालय के रिफाइंड शुगर के आयात पर वित्त सहयोग समिति ने विचार किया है ताकि पाकिस्तान ट्रेडिंग कारपोरेशन चीनी के बफर स्टॉक को मेंटेन रख सके। यही वजह है कि वित्त सहयोग समिति ने 3 लाख मीट्रिक टन व्हाइट शुगर आयात करने की इजाजत दे दी है। वित्तीय सहयोग समिति पाकिस्तान की शीर्ष संस्था है जो वित्तीय प्रबंध संबंधी कठिन फैसले लेती है। पाकिस्तान में इस वक्त चीनी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पिछले कुछ महीनों से चीनी के भाव में लगातार उछाल देखा जा रहा है जिससे मदरसा कौम महंगी चीनी की वजह से दाढ़ी में मेहंदी भी नहीं लगा पाई है। संभवतः व्हाइट शुगर का भारत से आयात करके पाकिस्तान चीनी के बढ़ते दामों को कंट्रोल करने की कवायद कर रहा है। पाकिस्तान में इस साल चीनी का उत्पादन खपत के मुकाबले कम रहा है। चालू मार्केटिंग ईयर 2019-20 आगामी 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। अगर इसी बीच चीनी का आयात नहीं किया गया तो यहाँ हालात और खराब हो सकते हैं, जिसके बाद चीनी के भाव 150 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने के आसार हैं। खास बात यह है कि इमरान लोने ने जब अगस्त 2018 में नया पाकिस्तान का तंदूरा बजाकर गद्दी संभाली थी, उस वक्त चीनी का भाव 54 रुपये प्रति किलो था। लेकिन इमरान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान में भ्रष्टाचार और घोटाले के गठजोड़ ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इससे पहले अनाज, दवाई, बिजली, दाल और यहां तक कि रेबीज वैक्सीन में भी बड़े घोटाले हो चुके हैं। इमरान सरकार द्वारा मई में जारी एक खोजी रिपोर्ट के मुताबिक चीनी मिल मालिकों ने शुगर के भाव में उछाल का फायदा उठाकर 100 अरब से ज्यादा रुपए का मुनाफा कमाया है। इस रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि चीनी मिल उत्पादन की लागत कम करने के नाम पर यही मिल मालिक सरकार से सब्सिडी भी लेते रहे। चीनी मिल मालिक एक सिंडिकेट के तौर पर चीनी का स्टॉक बढ़ाकर उसके दाम 100 रुपए तक ले आए। ऊपर से सरकार को भ्रमित करके चीनी का निर्यात भी कर दिया। अब हालत यह है कि पाकिस्तान ने जो चीनी 60 रुपए में बेची थी, अब वही चीनी भारत से 80 रुपए किलो में खरीदने जा रहा है। यानी मुल्लाओं की मदरसा नीति ने फिर साबित किया है कि यह जाहिल और मूर्ख भी है। पाकिस्तान ने चीनी संकट से निपटने के लिए बैकडोर से भारत से बातचीत शुरू कर दी है। इसी बीच वित्त मंत्रालय ने एक समिति का गठन भी किया है। यह समिति चीनी की खरीद के तरीकों को तय करने में जुटी है। बड़ी बात यह है कि भारत के पास चीनी का भारी भरकम स्टॉक है। भारत घरेलू मूल्य से ऊपर के दाम पर पाकिस्तान को चीनी का निर्यात कर सकता है। एक्सपर्ट की माने तो पाकिस्तान को बेचे जाने वाली चीनी का भाव 4,080 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक रह सकता है, जो कि भारत में चीनी के घरेलू दाम से भी बहुत ऊपर है। इससे पहले पाकिस्तान अनाज के आयात के लिए भी भारत से लगातार बात कर रहा है, जिसकी प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। यानी पाकिस्तान में होने वाले अनाज, दवाई और चीनी घोटालों से भारत की बल्ले बल्ले हो रही है। कोरोना काल में भी पाकिस्तानी आयातकों ने भारत से दवाई मंगाकर उन्हें महंगे दामों में बेचकर करोड़ों का मुनाफा कमाया है। अब चीनी में भी होठ मीठे करने के ताने बाने बुने जा रहे हैं, जबकि जिस आवाम को डी चौक पर गदैया ने टकरा कर हीरा मंडी में फ्री एंट्री के ख्वाब दिखाए थे, उसकी तसरीफ तक पसीने की धार बह रही है, क्योंकि इमरान लोंडे की सुल्तानी की गाज सबसे ज्यादा पाकिस्तान के गरीब पर ही पड़ी है। महंगाई और बेरोजगारी ने मुल्ला कौम के सारे कसबल ढीले कर दिए हैं। हालत ऐसी है कि गधैया नर और बकरी कुदाने के लक्षण तू मेरी पीठ पर खुजा, मैं तेरी पीठ पर खुजाऊंगा में बदल गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस भारत विरोध की गुट्टी पाकिस्तान के मदरसों ने आवाम को पिलाई, उन्हें चकमा देकर भारत से आयातित वस्तुओं से उनकी रसोई से लेकर घरों की दीवारें तक भारत रंग रोगन से चमकाई जा रही है। मतलब नाम पाकिस्तान है पर आधे से ज्यादा सामान हिंदुस्तान से जा रहा है। पर मामला यही खत्म नहीं होता है। इमरान की मदरसा नीतियों की वजह से इस देश के उद्योग तंत्र से लेकर बाजारों में भी ताले लगने की नौबत आ चुकी है। हैरत की बात है कि चीनी अनाज जैसी वस्तुएं एक वक्त पाकिस्तान निर्यात करता था। यहाँ की टेक्सटाइल मिले कपड़ा निर्यातक देशों में शुमार रही है, मगर स्थिति है कि पाकिस्तान इनके उत्पादों के बड़े आयातक देशों में शुमार हो रहा है।
कमाल की बात यह है कि जिससे नमक का पाकिस्तान भारत को निर्यात करता है वही सेंधा नमक पाचुकृत करके भारत उल्टा पाकिस्तान को ही बेच देता है। पिछले साल तो हालत यह हुई थी कि पाकिस्तान ने चीन की महंगी बिजली से बचने के लिए भारत से बिजली खरीदने का मन बना लिया था, मगर कंप्रेशन लाइन की दिक्कत के चलते उसके यह ख्वाब पूरे नहीं हो पाए। ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि भारत से बिना आयात के इस मुल्ला मुल्क में भूखे मरने की नौबत आ सकती है। आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, वह भारत को अस्थिर करने की साजिशें रच रहा है, मगर बैकडोर डिप्लोमेसी से बड़े बड़े लेन देन हो रहे हैं। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने इसी व्यापार की बदौलत पाकिस्तान पर दबाव बनाया है। बताया जाता है कि एक गंभीर मुद्दे पर पाकिस्तान के अड़ियल रुख को ठीक करने के लिए भारत ने पाकिस्तान को दवाई निर्यात रोकने की चेतावनी दे दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान लाइन पर आ पाया। पाकिस्तान अब इस मुद्दे पर बिना नानुकूर के साथ सही दिशा में बढ़ रहा है, यानी भारत किसी न किसी रूप में ऐसे मुद्दों को अपने हाथ में रखे हुए हैं जो पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए वक्त पड़ने पर अपनी अहमियत साबित करते हैं। पाकिस्तान के हर दिन बिगड़ते हालात उसे भारत से बात करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पाकिस्तान का व्यापार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है और वह भारत से बिना आयात के संपूर्ण नहीं होती है, इसलिए थक हार कर पाकिस्तान को भारत की चौखट पर सजदा करना पड़ रहा है। मोदी सरकार भी पाकिस्तान की कमजोरियों को अपने लिए अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रही है। यह कहीं ना कहीं मोदी सरकार की कूटनीति कही जाएगी कि उसने पाकिस्तान पर दबाव बनाने के प्रयासों को बनाकर रखा है, बेशक उसका माध्यम व्यापार ही क्यों ना रहा हो। आज पाकिस्तान में चीनी संकट खड़ा हो गया तो मोदी सरकार इसे भी अवसर में बदलने वाली है। इससे जहां पाकिस्तान के खजाने के डॉलर भारत के कोष में आएंगे, वहीं भारतीय उद्यमों को भी इसका फायदा मिलेगा। बड़ी बात यह है कि भारत अगर अपनी चीनी के भाव घरेलू मूल्यों से भी अधिक रखता है तब भी वह पाकिस्तान के लिए फायदे का सौदा है। पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए ऐसे सौदे होते हैं तो भारत के खजाने और पाक को घुटनों पर लाने के लिए इनमें कोई बुराई भी नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम। TCP के जरिए हमें चीनी आती थी, उसमें टेंडर नहीं करना पड़ता था। अब चूंकि TCP हमारे पैनल से निकल चुकी है और हमें टेंडर करना पड़ता है। टेंडर जब किया हमने 20 तारीख को टेंडर हुआ है, उसमें जो था ना, फिर जब चीनी आने लगी है स्टोर पे देखा तो मार्केट में फिर चीनी जो है रेट कम हो गया। चीनी अप डाउन होने की वजह से हम जो है टेंडर नहीं कर पा रहे। जैसे ही ये स्टेबल होता है इसका रेट, तो इंशाल्लाह टेंडर करेंगे, उसके बाद चीनी आ जाएगी। और दूसरी उसकी वजह यह है कि कुछ हमारी पेमेंट्स का भी मसला है,